नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया में आपके साथ प्रमोद सागर। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा तहसील हसनपुर की ग्राम पंचायत ढवारसी में आज जो विजयदशमी दशहरा मेला यहां पर आयोजन हो रहा है, और इस समय देख रहे हैं कि चारों तरफ यहां पर क्षेत्रीय विधायक जी भी यहां पर मौजूद है, क्योंकि ये आज इस मेले के जो शुरुआत कर रहे हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है मेले का, और फीता काट कर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भगवान राम और लक्ष्मण जी यहाँ पर कमेटी, हाँ जी, यहाँ पर आज विजयदशमी का, इधर आओ, विजयदशमी का आज मेला है, क्या कर गया। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने रामलीला कमेटी के माननीय अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी जी को, अपने माननीय अध्यक्ष राजीव गोयल जी को, और उजारी मंडल के अध्यक्ष हेमराज सैनी जी को, और समस्त हमारी सम्मानित कमेटी को, जिन्होंने इतना भव्य मेला, आज हमारा जो रावण दहन है, श्री राम जी के हाथों अभी यहाँ रावण दहन के पुतले का अभी दहन होगा। क्या संदेश जा रहा है युवाओं का? संदेश बहुत बड़ा संदेश है कि ढवारसी में ऐतिहासिक मेला बहुत दिन के बाद देखने को मिल रहा, जो लोगों में जुनून और उत्साह के साथ भगवान श्री राम की रामलीला का जो मंचन कई दिन से यहाँ चल रहा था, और बहुत सुंदर मेला ढवारसी में लगा है। और मैं चाहूंगा, भगवान से ही प्रार्थना करूंगा, ये मेला और भव्य और सुंदर बने, और हमारी समिति का, ऐसी कमेटी का पूरी का नाम हो, और आप लोगों का भी आज। और इस समय जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? आज विधायक जी भी आए, विधायक जी का हमेशा बहुत बड़ा सहयोग रहता है रामलीला कमेटी ढवारसी के लिए, प्रतिवर्ष उद्घाटन भी यही करते हैं, और पुतला दहन भी विधायक जी हमेशा करते चले आए। मन के भाव क्या है आज देख रहे हैं? बहुत खुशी का समय है कि भव्य मेला आज जो है, मैं जो देख रहा हूँ कई वर्षों बाद, क्योंकि मौसम खराब की वजह से या किसी कारण से कई वर्षों से मेला कम होता चला रहा है, लेकिन इस वर्ष बहुत भव्य। इस समय आप देख रहे हैं कि जो उत्साह पब्लिक आप देख रहे हैं इस समय, और जो मेला का उद्घाटन बहुत ही भव्य, और इस समय विशेष बात होगी, और हाँ जी, और शुरू समय शेष हो बनाओ। इस समय मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी इस समय कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भीड़ के उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और काफी उम्मीद और आशाएं थी कि यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक जी यहाँ मेले का उद्घाटन करेंगे, और ठीक यहाँ पर आप देख रहे हैं उद्घाटन होता हुआ, और अब मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अब जो रावण दहन बता रहे हैं कि विधायक ही आएंगे। आओ, हटो, वीडियो बना रहा निश्चय से बना। इस समय जो दशहरा मेला यहाँ ढवारसी में इस समय लगा हुआ है, और भीड़ भी यहाँ पर काफी है। मेरे साथ इस समय जो पुलिस क्षेत्र अधिकारी हसनपुर मेरे साथ मौजूद है, मैं जानकारी करूंगा कि आज विजयदशमी का यहाँ पर ढवारसी में मेला मनाया जा रहा है। सर, आज विजयदशमी यहाँ पर मेला हो रहा है, सर तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से, सर क्या ढवारसी क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाला मेला, जिसमें आसपास गांवों से पर्याप्त मात्रा में भीड़ आती है, तब काफ़ी लोग इसे देखने आते हैं। इस सुरक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण स्थल का चिन्हित करके पुलिस बल लगाया गया है। मेले में मीना बाजार में महिलाओं की इस काफ़ी बड़ी संख्या को देखते हुए महिला पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। आने जाने के रास्तों में बड़े वाहनों को रोका गया है, सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। उनको बहुत ही उनको सजग दृष्टि रखी जा रही है, और कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। सभी को पता है मेले में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है, हम कानून व्यवस्था पालन करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। मेरे साथ ही बात करते हैं पुलिस उपाधीक्षक हसनपुर महोदय। हाँ जी, आप आज साहब बताइए, आप बताइए, आप अपना नाम बताएंगे सर क्या? मेरा नाम अफलातून है, आज ढवारसी हूँ। आज जो दशहरा मनाया जा रहा है, भगवान राम, आज जो मेला का दशहरा का मेला मनाया जा रहा है, इसका संदेश ये है कि हम भाईचारे का एक प्रतीक है, और यहाँ पर ये समझिए कि इस दशहरे के टाइम पे ये रामलीला जो हुआ है, इसमें एक रावण पे रामचंद्र जी ने विजय पाई, सत्य ने असत्य पे विजय पाई और दुष्टों का संहार किया। आज उसकी खुशी में हम यह दशहरा का मेला मना रहे हैं, और उसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने जो व्यवस्था की है, उसमें सुरक्षा की व्यवस्था का माकूल इंतजाम किया है। तमाम सारे लोग यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से मेले का दर्शन कर रहे हैं, और मेला बहुत अच्छी तरह से लगाया गया, बड़ी भीड़ है यहाँ पर मेले में, और यहाँ अधिकारी लोग पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जमे हुए हैं। ठीक है, देखिए मैं इस समय मेले में जो सदर गेट है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जो मेले में यहाँ से सीधा एंट्री होती है, और जो लोग यहाँ मेला देखने के लिए आ रहे हैं, खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये गेंद वाले। हाँ जी, आपका क्या नाम है आपका? ओमपाल। कहाँ से आए? तेजगंज। अच्छा, तो आप बताइए मेले में आप कैसा लगता है कि मेले में कितनी कैसी आपकी बिक्री हो रही है? बिक्री सही हो रही है, सही हो रही है। इसकी क्या कीमत है? 20 रुपए। आप देख रहे हैं कि इस समय जो है मेले में पूरी खरीदारी यहाँ पर हो रही है, और आप देख रहे हैं कि ये दूर दूर से
भीड़ यहाँ पर आए हैं खरीदारी करने के लिए, देखने के लिए मेला। और आप देख रहे हैं कि इस समय यहाँ पर पूरी जो मैं सदर गेट के ये जो मेले का मेन स्थान है वहाँ पर, और यहाँ पर पुलिस की अपनी भी यहाँ पर ड्यूटी, यहाँ पर जो कंट्रोल रूम बना गया वो यहाँ पर मौजूद है। और आप देख रहे हैं, मैं दिखाऊंगा कि इस समय मैं यहाँ पर जो मीना बाजार जो लेडीजों की खरीदारी के लिए एक विशेष स्थान होता है, और प्रशासन की दृष्टि से भी यहाँ पर पूरी पैनी नजर रहती है प्रशासन की भी। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर मीना में। हाँ जी, आपका क्या नाम है आपका? जयवीर। कहाँ से आए आप? हसनपुर। तो ये क्या क्या चीज है, क्या करते हैं आप? नाकान छेदते हैं। नाकान छेदते हैं, अच्छा। हाँ। तो क्या लेते हैं नाकान छेदने के? 20 रुपए। 20 रुपए। देखिए नाकान छेद रहे हैं, और देखिये यहाँ पर टैटू वगैरह भी यहाँ पर युवा बनवा रहे हैं। और इस समय मैं हूँ मीना बाजार का जो मेन गेट है, आप देख रहे हैं कि मीना बाजार में आप देखिए काफी यहाँ पर भीड़, काफी यहाँ पर चौकन्ने भी, प्रशासन भी है। और आप इस तरीके देख रहे हैं कि पूरा उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पर जो है। हाँ जी, आप कहाँ से आएंगे भैया? बताइए कहाँ से आएंगे आप, बताएंगे? हाँ जी, और हाँ जी, आप कहाँ से आएंगे? और इस समय आप देख रहे हैं मैं बात। हाँ जी, कहाँ से आएंगे आप, बताएंगे? रुपनगर से। बताइए आपको यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से कैसा लग रहा है? सुरक्षा सही लग रहा है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? सादलपुर से। सादलपुर से आई हैं, तो कैसा लग रहा है मेला, बताइए मेले में, बताइए। और इस समय आप देख रहे हैं। हाँ जी, आप कहाँ से आई हैं आप? मेला भी देख घूम लिया नहीं अभी? नहीं अभी तो आए, अभी आए। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? सादलपुर जी। सादलपुर। अच्छा, अब बताइए मेले में सुरक्षा दृष्टि आप कैसे लग रही है? सही लग रहा आपकी, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इस समय